महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास जोधपुर, जहां ऋषि दयानंद ने 31 मई 1883 से 16 अक्टूबर 1883 लगभग 4.5 माह इस भवन में रहकर अपने जीवन के अंतिम समय में वैदिक धर्म की विश्वजयी पताका फहराई। उनके इस पावन अभियान से द्वेष रखने वाले कतिपय विद्रोही तत्वों ने षड्यंत्र पूर्वक रसोइयों को साथ मिलाकर इसी भवन में घातक विष देकर एक न मिटने वाले कलंक जोधपुर के माथे पर लगा दिया। फिर भी ऋषि ने अनुपम समाधान कर रसोइयों को समा कर राशि देकर बाहर से बाहर जाने को कह दिया। ऋषि भक्त आर्यों ने उनके 4.5 माह के अंतर्गत प्राप्त ज्ञान को अंगीकार करते हुए जोधपुर के आर्यजनों के सहयोग से इस भवन को राज्य सरकार से सन 1972 में लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्मृति भवन न्यास के रूप में स्थापित कर ऋषि के सपनों को साकार करने हेतु सक्रिय केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया। नमस्ते, सभी आर्यों को सादर नमस्ते। मैं जोधपुर से महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास से बोल रहा हूँ, मंत्री किशन लाल गहलोत। ये महर्षि दयानंद सरस्वती भवन न्यास, जहाँ ऋषि दयानंद 137 वर्ष पूर्व 4.5 माह वास किया था, निवास किया था। राजा जसवंत सिंह के कहने पर बुलाया गया आए थे और ये फैजाउल्ला खां की कोठी थी। इसी कोठी में महर्षि दयानंद सरस्वती ने 4.5 मास रहकर जोधपुर की जनता को, पूरे विश्व की जनता को जो संदेश दिया था वो सभी को विदित है। इसी भवन में अंदर पहला मंजिल में जहाँ ऋषि दयानंद ठहरे थे, यहीं उनके साथ रसोईया जगन्नाथ रहता था। उसी रसोई में उनको भोजन खिलाते थे और जो भी और भी उनकी दिनचर्या थी वो करते थे पूरा। इसी भवन में जगन्नाथ के साथ नैनी जान, जो एक मुसलमानी बोलते हैं, कोई कहता हिंदू थी, एक नैनी जान भी थी, एक जैनैनु भक्तन भी थी। उसने इसी दयानंद को रसोइयों को बहला फुसला कर कुछ लालच देकर उसको दूध में जहर मिलाने के लिए प्रेरित किया। इसी भवन में उसी ऋषि दयानंद को जगन्नाथ के हाथों जहर दूध में मिला के पिलाया गया, जो उनकी मृत्यु का कारण बना। तो ये ऋषि स्मृति का अंतिम कर्म स्थली है ऋषि दयानंद स्मृति भवन न्यास, जो सन 1972 में राज्य सरकार से आर्यों द्वारा ली गई थी। उसके बाद इसका अभी 5-6 सालों में इसका जीर्णोद्धार हुआ और ये भवन अब वैसे ही है, 200 साल पुराना है, वैसे ही है। उसके अंदर ऊपर जो महल है वो महल अभी दिखाता हूँ आपको। ऊपर जाने का रास्ता रसोई घर था उस समय, जो कि यहाँ पर खाना बनता था। यही फैजाउल्ला खां की कोठी का ऊपरी भवन है, जहाँ स्वामी दयानंद जी इसी महल में रहते थे। यही उनका निवास था, यही अपना जो वैदिक शोध का कार्य था यही करते थे, यही जिससे भी मिलना था यही मिलते थे। महल में ऋषि दयानंद को जसवंत सिंह द्वितीय ने ठहराया था। महल है जहाँ पहले सोने की कलाकृति थी, चित्रकारी थी, सोने की परत की, जो अभी पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी। ये राजा जसवंत सिंह द्वितीय है, इसी द्वितीय ने स्वामी दयानंद को पत्र लिखकर अपने जोधपुर बुलवाया था। स्वामी जी को इस हॉल में ठहराया गया, जहां पर राजाओं की तस्वीरें यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं, जिन पर सोने की मीनाकारी की हुई है। ये ऋषि दयानंद का निवास स्थल था, इसी पे सभी से मंत्रणा करते थे, शोध कार्य करते थे और यहीं विश्राम करते थे रात के समय। और यहीं उसको जगन्नाथ, उनको भोजन की व्यवस्था, अल्पहार जो भी उनको यहीं से देते थे। यहीं एक ये फैजाउल्ला कोठी का पहले रहवास था, फिर राजा जसवंत सिंह ने ऋषि दयानंद को यहाँ ठहराया तो फैजाउल्ला खां को अब दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। 4.5 माह ऋषि दयानंद यहाँ रुके थे। 31 मई 1883 को आए थे, 29 सितंबर को जहर दिया गया था
उसके बाद यहाँ से ऋषि दयान माउंट आबू के लिए प्रस्थान किए थे। मैं मंत्री कृष्णलाल गहलोत सभी भारतवासी विश्व के आर्यों को निमंत्रण देता हूँ कि ऋषि दयान का तीर्थ स्थल है यहाँ, ऋषि दयान 4.5 महल रहे, इनकी आत्मा यहाँ रही और लोगों को वैदिक ज्ञान दिया, वेद का प्रचार के लिए यहाँ पधारे थे। उन्होंने कहा था, लोगों ने कहा जोधपुर मत जाओ, उन्होंने कहा मेरी अंगुलियों को अगर मोमबत्ती की तरह लगा जला देंगे तो भी मैं सत्य कहूँगा और मैं वहाँ जाऊँगा। इसी कारण ऋषि दयान यहाँ आए थे और सत्य कहा और सत्य कहने से उनको जहर दिया गया। अभी यहाँ एक सत्संग भवन, योग साधना भवन, जिम, व्यायामशाला, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, अस्पताल और यज्ञशाला बनी हुई है, एक तीर्थ बन गया है। यहाँ सभी आर्यों को निमंत्रण देता हूँ, यहाँ पधारें ऋषि दयान के तीर्थ के इस वक्त, यहाँ पधारें और यहाँ रहें और ऋषि दयान को याद करें और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए आप प्रेरणा स्रोत बने, यही हमारा सबसे निवेदन है। जय नमस्ते।